वैसे तो भाई लोग मेरे गाने सुनते ही रहते हैं YouTube पे भी और प्रोग्राम्स में भी। ये बच्चों का प्रोग्राम है, एक रागनी की फरमाइश कर दी गई इसलिए सुना रहा हूं। रागनी आपके सामने रखूंगा कि अपने देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भारत माता को वीर सपूतों की जरूरत पड़ी, भारत मां ने ऐसे शेर ऐसे लाल पैदा कर दिए जिन्होंने हिंदुस्तान की लाज रखी। ऐसा ही एक वीर सपूत देश का सिपाही सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किस प्रकार से रागनी का हवाला रहेगा कि जिस वक्त सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में नजरबंद थे और सुभाष चंद्र बोस की भाभी शरद चंद्र बोस की पत्नी उनको दवाइयां देने के लिए जाया करती थी। सजनों, सुभाष ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं। क्यों सुभाष? क्योंकि कल मैं विदेशों में जा रहा हूं, जर्मन इटली जापान आदि देशों के शासकों से मिलूंगा। ठीक है भाभी, आपको कुछ चाहिए? हाँ सुभाष, मेरे लिए जैसे कि औरतें डिमांड करती हैं, औरतों को पहनने की आभूषण इत्यादि चीजें बहुत पसंद होती हैं। उसकी भाभी ने डिमांड की कि सुभाष मेरे लिए एक अच्छी सी चुंदड़ी एक अच्छी सी साड़ी लाकर देना, और ऐसी वैसी साड़ी नहीं, उस साड़ी में हिंदुस्तान की चित्रकारी हो, हिंदुस्तान के इतिहास की चित्रकारी हो, जितने वीर सपूत शहीद हुए उनके चित्र हो, उनके फोटो हो। सुभाष चंद्र बोस की भाभी सुभाष चंद्र बोस से उस साड़ी में कैसे क्या क्या डिमांड करती है, आइए सुनते हैं इस राग में। शहीदों के नाम से पहले दो पंक्तियां बोलूंगा, अच्छी लगे दिल को छू जाए तो पूरा ये विद्यालय प्रांगण तालियों से गूंजना चाहिए। शहीदों की मजारों का दिया, शहीदों की मजारों का दिया कभी बुझने नहीं देंगे, भारत देश का तिरंगा कभी झुकने नहीं देंगे। हमने सींचा अपने खून से इस बगीचे को, हमने सींचा अपने खून से इस बगीचे को, इसकी खुशबू को कभी लुटने नहीं देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस की भाभी क्या डिमांड करती है सुभाष के सामने, आइए। तो वो कहती है बोस से ऐसी साड़ी लिए हो के सुन ले कि जिसकी चमक Get
साड़ी ऊपर, बिल्कुल मीठा, ये साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, तिलक गोखले ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट हाँ उस दिल्ली में राजगोपाल आचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल नेहरू वीर जवान भी हो, हंसते हंसते पहुंचाए वीरों ने जाने विदेश में जाकर लिया। क्या बच्चों आप बता सकते हो कौन सा वीर हुआ? शहीद उधम सिंह, जिसने अपने बाप की मौत का बदला लंदन शहर में जाकर लिया, कि उसका भी फोटो उस साड़ी में होना चाहिए। नंबर दो पे क्या बताया? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ऋषि बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय को लाइसेंस से मारा था कि उसका फोटो होना चाहिए। लाला लाजपत राय लाहौर में पिता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए मैं दोष भी हो, जलिया वाले बाप का जलसा कायर फायर करता हो, उधम सिंह की गोली ते लंदन में कायर मरता हो, भारत का बद ला लेने इनके साथ भारत देश के कुछ महापुरुष आदर्श पुरुषों के भी फोटो होने चाहिए। क्या बताया नंबर तीन पे?
कि राम और लक्ष्मण की फोटो होनी चाहिए। फिर राम और लक्ष्मण काज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, राजा हरि सब सबके कारण कसी में बिक जाते हो, जगदेव पवार